बुधनी के नजदीक ग्राम बगवाड़ा में खेतों के लिए जो बिजली जाती है उसकी समस्या के संबंध में आज हम बिजली विभाग में आए हुए हैं और हमारे साथ अरवाल से हमारे बुधनी विधानसभा के किसानों की फसल सूख रही है, उनके रोपे भी सूख रहे हैं। बिजली विभाग से कई बार इन किसानों ने अपनी समस्या से अवगत कराया लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से वहां पर इनको पर्याप्त समय बिजली नहीं मिल पा रही, 2 या 3 घंटे मुश्किल से बिजली मिलती है, जिसके संबंध में आज हमने अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और जल्द से जल्द अगर ये बिजली की समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो किसान उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसके लिए शासन और प्रशासन स्वयं जिम्मेदार रहे। क्या समस्या है? किसानों की बिजली की समस्या है। पिछले एक हफ्ते से लाइट रेगुलर मिल ही नहीं पा रही है। 24 घंटे में 3 से 4 घंटे अधिकतम लाइट मिलती है और बिजली विभाग से बात करो तो कोई जिम्मेदार जवाब मिलता नहीं। कितनी जुलाई से ये समस्या हो रही है आपको? ये एक हफ्ता हो चुका है। एक हफ्ते में अगर घंटों में आप बात करेंगे तो मुश्किल से 10 से 12 घंटे लाइट मिली है पूरे एक हफ्ते। मुझे बिजली की बहुत समस्या है, 2 घंटे या 3 घंटे लाइट मिल पाती। बिल जमा है सब? रसीद कटी है? बिल जमा, रसीद कटी है और मेरा बिजली का बिल भी जमा है बाकायदा और लाइट की समस्या, लेकिन मैं बिजली ऑफिस आया हूँ। कब से बनी ये समस्या? सर ये समस्या मिनिमम 8 दिन से अभी से ज्यादा हो जा रही है। समस्या है लाइट की और लापरवाही भी ऐसी है, तार बिजलियों के तार जो है नीचे, मतलब हाथ अगर अपन ऊपर करें तो टच हो सकते हैं। ऊपर सूख रहा, धान लगने का समय आ गया, गड्ढे भरा नहीं पा रहे हैं और भी समस्या है। बिजली नहीं मिल रही है, धान करो पर सूख गया है। आपका कनेक्शन है? हाँ डीपी है। रसीद कटाई या समस्या? समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान लोग हैं उन सबकी समस्या, बिजली विभाग है वो अपना कार्य पूर्ण तरीके से नहीं कर रहा है।